गौरव की बात है। आज मेरे पिताजी की 80वीं पुण्यतिथि है और हाल ही में दीदी के फिल्म जगत में गाते हुए 80 साल पूरे हुए हैं। 1942 में पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ। हमारे पिता गए और 13 साल की दीदी छोटे बाबा बनकर खड़ी हुई और सारे परिवार का बोझ अपने कंधे पे लिया। वो फिल्मों में बाल कलाकार के नाम से काम करने लगी। कुछ सालों बाद उसने पार्श्व गायन शुरू किया, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 साल की दीदी पिताजी के पुण्यतिथि मनाने लगी। कई दिग्गज कलाकार जैसे पंडित रविशंकर जी, खां साहब बड़े गुलाम अली खां साहब आमिर खां साहब, पंडित कुमार गंधर्व जी, ऐसे बहुत सारे कलाकारों को कलाकारानी पिताजी के पुण्यतिथि पर अपने अपूर्व कला का प्रदर्शन किया। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। हमेशा दीदी कलाकारों को पुरस्कार देती थी, उनका सम्मान करती थी, पर आज वो साकार रूप में यहाँ नहीं है। पर हम ये मानते हैं कि दीदी हमारे साथ उपस्थित है और ये समारोह देख रही है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इतने व्यस्त होने के बावजूद दीदी के प्रति प्रेम और स्नेह के लिए आप मुंबई आए और ये पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सम्मति दी। हम सब हृदय से आपके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। Thank you.